और कन्वर्जन रेट रैंकिंग एवरेज है जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है तो अगर आप अपने स्क्रीन पे देखो इस स्क्रीनशॉट में कैसे एआई खुद ही सारे ऑब्जेक्ट्स जो इमेज के अंदर हैं उसको वो आइडेंटिफाई कर पा रहा है सो so, मेटा काम करता है ऑक्शन इट्स एन ऑक्शन बेस्ड प्लेटफॉर्म। जब आप एड रन करते हो मैं आपको मोटा-मोटा इजी -मोटा, करने के लिए तीन चीजें समझाता हूं नंबर 1 अगर आप फेसबुक एड्स के वर्ल्ड से थोड़े बहुत भी फेमिलियर हैं आप अपने लिए एड्स चलाते हैं या अपने क्लाइंट्स के लिए एड्स चलाते हैं फेसबुक एड्स या चलाना चाहते हैं आपने कोई ब्लॉग पढ़ा है कोई कोर्स देगा कोचिंग प्रोग्राम का पार्ट हो कहीं पे भी कोई भी इन्फॉर्मेशन फेसबुक एड्स से रिलेटेड अगर कंज्यूम करी है देन आई एम श्योर कि यू आर वेरी वेरी फेमिलियर विद्सेप्टच इज इंटरेस्ट राइट ऑडियंस इंटरेस्ट इस वीडियो में हम जो बात करेंगे इट इज गोइंग टू बी अबाउट ब्रॉड टारगेटिंग एंड कैसे हम हमारी एजेंसी में ब्रॉड टारगेटिंग करके हमारे क्लाइंट्स को किस तरह के रिजल्ट्स हमने जनरेट किए सो so इससे पहले मैं बताऊं कि हम किस बारे में बात करेंगे और क्या-क्या चीजें होंगी आई रिस्पेक्ट योर टाइम एंड बिकॉज़ ऑफ दैट द फर्स्ट थिंग आई डू इज टेक यू इनसाइड द ऐड अकाउंट सो मैं दिखाऊंगा सीधा कि किस तरह के रिजल्ट्स हमने जनरेट किए इन द लास्ट 30 डेज इन द लास्ट 90 डेज

फेब्री एटीन से मार्च नाइनटीन का जो हमने यहाँ पे डेट सिलेक्ट है, अगर मैं आपको रेजर पे अकाउंट दिखाऊं हमने नाइन लाइक किया विच इज वेरी ऑलमोस्ट लाइक सो यू कैन सेट इज क्लोज टू फोर पॉइंट रिटर्न ऑन स्पेंड, राइट ये प्राइमेरली हमने जो किया ये ब्रॉड टारगेटिंग से किया बिकॉज आप नोटिस करो कि इस अकाउंट में हमने थर्टी डेज में अबाउट टू लाख ट्वेंटी नाइन थाउजेंड स्पेंड करे लेकिन उस टू लैख ट्वेंटी नाइन थाउजेंड में मेजोरिटी पोर्शन उसका एट्टी टू परसेंट हमने एक ही कैंपेन के अंदर ही स्पेंड किया और हमने ओवरऑल लाख रिटर्न ऑन स्पेंड किया सिमिलरली अगर हम देखें कि डेज डेज में 90 का डेटा देख लेते हैं ट्वेंटी दिसंबर से नाइनटीन मार्च कर लेता हूं जस्ट टू बी फेयर हेयर आप देखोगे अबाउट थर्टी सिक्स हमने किया है इसी अकाउंट में रेजर पे अकाउंट से आप देख रहे हो क्लियरली एंड सिमिलरली मैं एड अकाउंट में जाता हूं एंड लास्ट नाइन्टी डेज को सिलेक्ट कर लेता हूं सो so, हमने कौन सी डेट सिलेक्ट करी थी दिसंबर ट्वेंटी टू मार्च नाइनटीन राइट सो so, चलते हैं दिसंबर दिसंबर ये रहा टू मार्च वी गो हम इसको चेक कर लेते हैं अभी देखेगा एट लाख एटी थाउजेंड हमने यहां स्पेंड करे और हमने थर्टी सिक्स लैक्स यहाँ पे जनरेट करे इस अकाउंट से सो so, जो भी मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगा आपके साथ जो भी मैं आपको अपनी लर्निंग बताऊंगा ये हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस से आई है और आपको मैंने ये भी दिखाया कि कैसे हमने एक ही कैंपेन में अबाउट 80 टू 90 परसेंट टोटल बजट जो क्लाइंट का था वो स्पेंड किया है सिर्फ एक ही कैंपेन में थोड़े बहुत हमें टेस्टिंग वगैरह करते रहे हम आ, लेकिन हमने ये एक ही कैंपेन में कैसे इसको स्केल कर लिया बिकॉज ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है फेसबुक एड्स में कि यू नो मल्टीपल एड सेट्स मैनेज करना मल्टीपल एड्स मैनेज करना मल्टीपल कैंपेन्स मैनेज करना स्पेशली जब आप स्केल करते हो तो इस वीडियो में का इज मैं जो भी बताऊंगा इट इज गोइंग टू कम फ्रॉम माई एक्सपीरियंस हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस और हम मेजरली तीन चीजों के बारे में बात करेंगे लाइक like, इसके डिटेल में जाएंगे पहला होगा टारगेटिंग जिसमें मैं आपको बताऊंगा एआई इमेज रिकॉग्निशन मॉडल के बारे में कि क्यों इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग सबसे बड़ा सीक्रेट नहीं है टू बी सक्सेसफुल इन फेसबुक फेसबुक प्रॉफिटेबल एड्स के लिए दूसरी हम बात करेंगे थोड़ा बहुत ऑप्शन के बारे में बिकॉज वो जानना बहुत जरूरी है आपको अगर आप ब्रॉड टारगेटिंग की गेम को जीतना चाहते हैं थर्ड चीज जिसके बारे में बात करेंगे वो होगा एड रेलिवेंट स्कोर बिकॉज वो क्या है और वो क्यों इंपॉर्टेंट है सो so, इन चीजों के बारे में हम बात करेंगे नाउ इससे पहले मैं आगे बढ़ू आई रियली वॉन्ट टू टेल यू राइट नाउ दैट मेरी इंटेंशन क्लियर है कि मैं आपसे ऑथेंटिक एंड पर्सनली टेस्टेड इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज ही शेयर करूंगा मैं कोई भी चीज ऐसी शेयर नहीं करूंगा जो मैंने इंप्लीमेंट नहीं करी है इस पूरे चैनल में जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करूंगा वो मेरे ही पर्सनल एक्सपीरियंस से है खुद की एजेंसी चला के हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है मैंने लाखों स्पेंड किए हैं अपनी सेल्फ एजुकेशन में last, में टू इन द लास्ट अनऑफिशियली मैं डिजिटल मार्केटिंग मैंने स्टार्ट करी थी ऑफिशियली ट्वेंटी में स्टार्ट करी थी सो अप्रोक्सीमेटली आठ नौ साल हो चुके हैं मुझे तो ये जो भी होगा ये मेरे एक्सपीरियंस से आएगा ये कोई भी कुकअप स्टोरीज नहीं है ये कहीं से भी सिर्फ मैंने कोर्स में या किसी का और का वीडियो देख के नहीं शेयर कर रहा जितना है के साथ शेयर करूंगा। और मैं ऐसा इसलिए करना चाहता हूं इसकी सिर्फ रीजन ये है कि मैं रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन आपके साथ सेट करना चाहता हूं मैं जब इस जर्नी स्टार्ट हुआ था तो मेरे मैं काफी कोचिंग प्रोग्राम्स और कोर्सेज में पार्ट बना था जिसमें अनरियल एक्सपेक्टेशन सेट करी जाती है जिससे अगर आपको इनिशियल सक्सेस मिल भी जाए लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस मिलना बहुत मुश्किल होता है लॉन्ग स्टिंग सक्सेस मिलना इसलिए मुश्किल होता है बिकॉज एक्सपेक्टेशन स्टार्टिंग से ही सेट नहीं होती करेक्ट फॉर एग्जाम्पल की हार्डवर्क मत करो ईजी है यू you नो know, ये सारी चीजें तो so, मैं आपको बताऊंगा कि सिंपल तो है

वीडियोस आपको अच्छे ना लगे आप अनसब्सक्राइब कर देना बट ये प्रॉमिस करना कि इसको एंड तक देखो बिकॉज मैं सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में डिटेल में जाएंगे लेकिन प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना और एंड तक जरूर देखना बिकॉज ये पूरी जो वीडियो है इसकी मैं सीरीज निकालूंगा आई डोट नो कितना लंबा यह सीरीज चलेगा और मैंने दो से तीन वीडियो ऑलरेडी सोचे हुए हैं जिसके बारे में ऐसी वीडियो में बताऊंगा सो प्लीज एंड तक देखना so, time, देख सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स जस्ट गेट स्टार्ट सबसे पहले तो ट्रांसपेरेंसी जो मैंने आपको दिखाया पेमेंट गेट वे दिखाया एड अकाउंट बिजनेस के बारे में है uh, मैं खुद एक डिजिटल एडवर्टाइजिंग एजेंसी चलाता हूँ तो ये उस एक्सपीरियंस से आ रहा है हमारे करंटली चार एक्टिव डन फॉर यू क्लाइंट्स हैं इंडिया में हम सिक्स फिगर्स मंथली एम आर आर विच इज मंथली रेकरिंग रेवेन्यू करते हैं अपनी एजेंसी में हम सेवन फिगर्स भी करते हैं कई बार डिपेंडिंग ऑन के हमारे क्लाइंट्स कितने ग्रो कर रहे हैं एंड कितने क्लाइंट्स को हम हैंडल कर रहे हैं ये मैं डन फॉर यू एजेंसी क्लाइंट्स की ही बात

है मुझे ये नहीं पता कि आपके लिए वो कितना बड़ा है मेरे लिए तो बहुत बड़ा है सो so, ये जो भी चीज मैं आपको बताऊंगा ये इस पूरी बैकग्राउंड से आएगी कोई भी सिर्फ बुकिश नॉलेज लेअर लर्निंग से नहीं सो so, फर्स्ट बात कर लेते हैं टारगेटिंग के बारे में नाउ टारगेटिंग के बारे में मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि मेटा जो है वो काम करता है एआई इमेज रिकॉग्निशन मॉडल पे ठीक है अब ए आई इमेज रिकोगशन मॉडल क्या करता है सिंपल तरह से अगर समझाऊं तो अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखो इस स्क्रीन शॉट में कैसे ए आई खुद ही सारे ऑब्जेक्ट जो इमेज के अंदर है उसको वो आइडेंटिफाई कर पा रहा है जैसे एरोप्लेन उसने आइडेंटिफाई किया उसने एक ह्यूमन बींग तक आइडेंटिफाई कर लिया एक ट्री जो एक ऑब्जेक्ट उस फोटो में कहीं दूर पीछे एक ऑब्जेक्ट था ट्री उसने उसको भी आइडेंटिफाई कर लिया तो एआई इमेज रिकोग्निशन मॉडल पे ही मेटा फेसबुक या इंस्टाग्राम जो भी कॉन्टेंट होता है वो उस पर काम करता है राइट इसका मतलब ये होता है कि जब एआई रिक्नेशन मॉडल यूज किया जाता है आपकी जो एड्स होती हैं जो आपकी एड क्रिएटिव होता है right? जो 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 आप ad की लिखते 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 हो headline लिखते हो copy लिखते हो वो सारी वो सारी चीजें ही ही करके है है कर लेता है या समझ जाता है कि आप किस, किस इंसान के लिए ये रेलिवेंट हो सकती है एंड इसी वजह से जब आप ऑडियंस इंटरेस्ट यूज करते हो फेसबुक एड्स के अंदर जब भी आप एड क्रिएट करते हो और ऑडियंस इंटरेस्ट सिलेक्ट करते हो तब उस टाइम पे सिर्फ आप उस चीज को इस तरह से अप्रोच करो कि ये कोई नहीं है बिकॉज काफी लोग मुझे क्वेश्चन एक तरह का डायरेक्शन दिखाना है लेकिन जीपीएस मिल जाए तो आपके लिए और इजी हो जाएगा so, इसी तरह से आप उसको अप्रोच करो कि जीपीएस नहीं भी होगा तो भी पहुंच तो आप जाओगे लेकिन अगर जीपीएस होगा तो आपके लिए आसान हो जाएगा so, जब आप ऑडियंस इंटरेस्ट सिलेक्ट करते हो आप फेसबुक को ये बताते हो कि यू माइट वॉन्ट टू लुक इन दैट डायरेक्शन

से बता रहा हूं कि जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आती है मेटा के लिए किसी को कोई एड शो करने की उस वक्त ऑप्शन होती है अब आप खुद सोचो एक टाइम पे लाखों करोड़ों लोग ऑनलाइन आ रहे होंगे जैसे ही जो ऑनलाइन आता है फेसबुक इंस्टाग्राम पे उसी टाइम एक ऑप्शन प्लेस होती है नाउ अब हम ये भी समझते हैं कि अगर ऑप्शन उस टाइम प्लेस होती है जब भी कोई ऑनलाइन आता है तो यह ऑक्शन होती भी क्यों है इसकी जरूरत क्या है इसकी जरूरत इसलिए है बिकॉज ऑक्शन से ही मेटा यह डिटर्मिन कर पाता है कि जो भी इंसान अभी ऑनलाइन आ रहा है जो भी लाखों करोड़ों लोग इस टाइम ऑनलाइन आ रहे हैं जो एडवर्टाइजर्स उन ऑडियंस के लिए एडवर्टाइज कर रहे हैं तो मेटा ये डिटर्मिन कर पाता है कि कौन सी एड किस इंसान को दिखानी चाहिए और कौन सी एड किस इंसान को नहीं दिखानी चाहिए इस रीजन की वजह से ऑप्शन की जाती है ताकि वो अपने प्लेटफॉर्म का यूजर एक्सपीरियंस को खराब ना करें एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज इस ऑप्शन में कम्पीट करता कौन कौन है मैं मेटा के ही डॉक्यूमेंट से आपको एक चीज को सिंप्लीफाई करूंगा एंड ये अगली जो दो चीजें मैं बताऊंगा वो सबसे इंपॉर्टेंट है अगर आप ब्रॉड टारगेटिंग को समझना चाहते हो सबसे पहले तो इसको समझने के लिए हम एक इमेजिनरी कैरेक्टर बना लेते हैं उसका नाम है मेघा अब आप ये समझो कि मेघा एक इंडिविजुअल है जिसके मल्टीपल इंटरेस्ट हो सकते हैं मेगा इंटरेस्टेड हो सकती है वेट लॉस में मेगा इंटरेस्टेड हो सकती है ट्रेवल में मेगा इंटरेस्टेड हो सकती है फेसबुक एड्स में इंटरेस्टेड हो सकती है रिस्ट वॉच में मेगा इंटरेस्टेड हो सकती है स्टॉक मार्केट में अब सिमिलरली एक्साम्पल के तौर पर आप ये समझो कि इस टाइम तीन एडवर्टाइजर्स

मार्केट में भी इंटरेस्टेड है और वो वेट लॉस के से रिलेटेड चीजों के बारे में भी इंटरेस्टेड है अब एक सेम कैरेक्टर एक सेम सिंगल इंडिविजुअल इन सब चीजों में इंटरेस्टेड है जिसका मतलब यह हुआ कि मेघा कैन बी टारगेटेड बाय ऑल दी एडवर्टाइजर्स इवन इफ ईच ऑफ दोज एडवर्टाइजर्स आर चूजिंग डिफरेंट ऑडियंस इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू देयर नीच फॉर एग्जाम्पल अगर स्टॉक मार्केट वाला जो एडवर्टाइजर है वो ऑडियंस इंटरेस्ट अगर सिलेक्ट करेगा फेसबुक एड के अंदर जाके तो वो ऑडियंस इंटरेस्ट कुछ भी सिलेक्ट कर सकता है जो कि अराउंड स्टॉक मार्केट होगा लेट्स से स्टॉक ट्रेडिंग फॉर एक्साम्पल सिमिलरली जब एडवर्टाइजर टू होगा जो वेट लॉस नीच में होगा वो

एडवर्टाइजर्स अलग ऑडियंस इंटरेस्ट यूज करके टारगेट कर रहे हैं बट फिर भी वो सेम इंसान को पोटेंशियली टारगेट कर रहे हैं अब ये तो मैंने एक इंसान का एग्जाम्पल दिया इमेजिन करो ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं नाउ ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्यों थी आपके लिए वो इसलिए थी कि अब हम ये समझते हैं कि एक विनर ऑफ द कैसे किया जाता है सो so, दिन जब यह ऑप्शन होती है तो तीन फैक्टर्स उसमें कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं नंबर वन बिड नंबर टू एस्टिमेटेड एक्शन रेट्स एंड नंबर थ्री एड क्वालिटी अब बिड होती है जब आप कोई नॉर्मल एड अब जब टिपिकल एड जाके रन करते हो तो वो ऑटोमेटेड बिडिंग पे रन होती है तो so, ऑटोमेटिकली जो

रेलिवेंट यूजर है एट दिस गिवन पॉइंट इन टाइम अगर वो रेलिवेंट यूजर है तो ही वो उसको एड दिखाएगा लेकिन ये इससे क्वेश्चन आता है कि एस्टिमेटेड एक्शन रेट कैसे किया जाता है तो मैं आपको मोटा मोटा इजी करने के लिए तीन चीजें समझाता हूं नंबर वन रिसेंट इंटरक्शन या एंगेजमेंट से अगर आप ऑनलाइन गए आपने किसी भी चीज से किसी के बारे में किसी से बात कर ली कोई चैट कर लिया कोई मैसेज कर लिया कोई कॉमेंट कर दिया या किसी भी तरह से आपने कोई एंगेजमेंट करी आपने लाइक like किया आपने शेयर किया कुछ भी ऐसी कोई भी एक्टिविटी करी उससे एस्टिमेटेड

आपको मेघा को कोई क्वेश्चन था स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वो ऑनलाइन गई उन्होंने वो गूगल पे सर्च करे जैसे ही उन्होंने वो क्वेश्चन जो था वो सर्च करे उनको डिफरेंट ऑप्शन किया किसी भी सर्च पे क्लिक करके वो एक वेबसाइट पे गए उस वेबसाइट में जब मेघा ने देखा तो मेघा ने जो भी कॉन्टेंट था वो कंज्यूम किया कुछ टाइम स्पेंड किया डिपेंडिंग ऑन कौन सी वेबसाइट थी अब आप ये समझो कि हर वेबसाइट में आज की डेट में दस में से आठ सौ नौ वेबसाइट पे फेसबुक का पिक्सल जिसको आप डेटा सेट कहते हैं वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है सो इवन दो सर्च करके उस वेबसाइट पे गए हो लेकिन फिर भी फेसबुक को उस इंफॉर्मेशन के बारे में पता है बिकॉज उस वेबसाइट ने मोस्ट लाइकली फेसबुक पिक्सल या डेटा सेट ऑलरेडी अपनी वेबसाइट पे इंस्टॉल किया हुआ है सो so, वहां से भी फेसबुक के पास इंफॉर्मेशन आ रही है कि एट दिस गिवन पॉइंट इन टाइम मेगा स्टॉक मार्केट में ज्यादा इंटरेस्टेड लग रही है एज कंपेयर टू फेसबुक एड्स और एज कंपेयर टू रेस्ट वॉचेस और एज कंपेयर टू वेट लॉस बिकॉज इस टाइम रिसेंटली वो ये टेस्ट सर्च कर रही है ऑनलाइन सो so, ये दूसरा तरीका है तीसरा तरीका एस्टिमेटेड एक्शन रेट डिटर्मिन का होता है कि कोई रिसेंट अगर आपने परचेज है ऑनलाइन ये कहीं भी हो सकती है ये जरूरी नहीं है सिर्फ फेसबुक से ही आपने एड देख के परचेज करी हो कहीं भी किसी भी तरह की आपने ऑनलाइन परचेज करी है आपने एमेजॉन पे किया आपने फ्लिपकार पे किया आपने किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे किया आपने किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे किया आपने डायरेक्टली वेबसाइट पे जाके किया या कहीं पे भी आपने ऑप्ट इन किया अपनी ई दी अपनी डिटेल सबमिट करी टू रिक्वेस्ट फॉर अ कॉल बैक टू रिक्वेस्ट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कुछ भी चीज आपने ऐसे करी तो यहां से भी फेसबुक को एस्टिमेटेड एक्शन रेट का डिटर्मन किया जाता है फेसबुक को अब ये एक स्पेकुलेशन है मैं गलत भी हो सकता हूं जो मैं आपको नेक्स्ट बताने वाला हूँ वो ये है कि तो इसका मतलब ये हुआ राइट कि अगर मेघा ने अभी रिसेंटली स्टॉक मार्केट के बारे में सर्च किया सो एट दिस गिवन टाइम तक स्टॉक मार्केट के ही स्टॉक मार्केट बेस्ड एडवर्टाइजर के लिए ये क्वेश्चन कहीं लिखा नहीं है डॉक्यूमेंट पे तो मेरी ऑब्जर्वेशन जो अभी तक मैंने समझा है और सीखा है डेटा स्टडी करके मुझे लगता है कि 7 14 तक, अगर कभी भी आप किसी कॉन्टेंट से एंगेज करते हो तो वो आप उस बकेट में

जिसको हम मैनेज कर रहे हैं अब आप देखो इसी एक कैंपेन में जो सिलेक्टेड है इस एक कैंपेन में अप्रोक्सिमेटली अभी तक मैक्सिमम साढ़े तीन लाख स्पेंड हुए जिसमें से लास्ट थर्टी डेज में तो लाख थर्टी थाउजेंड हुई थे आपको पहले भी दिखाया था अगर लास्ट थर्टी डेज का डेटा देख लेते so, uh, मार्च नाइनटीन था राइट right? सो uh, so सिर्फ इस एक कैंपेन को स्टडी कर रहे हैं हम राइट सो इसमें एक कैंपेन कैंपेन में तो इस में इस ये मल्टीपल एड्स हैं जो मैंने सेलेक्ट करी हुई है अब ये हम एक वन कैंपेन स्ट्रेटेजी है जो हम हमारी एजेंसी में यूज करते हैं जिसके बारे में मैं नेक्स्ट ने वीडियो में बात करने वाला हूँ तो आप प्लीज एंड तक देखेगा तो मैं बताऊंगा उस वीडियो के बारे में भी तो आप ध्यान से देखो यहाँ पे स्कोरिंग करी हुई है एक रेटिंग दी हुई है क्वालिटी रैंकिंग एंगेजमेंट रेट रैंकिंग एंड कन्वर्जन रेट रैंकिंग और देखो कि इनकी जो रैंकिंग है उसमें जो इन्होंने रेटिंग uh, दी है वो दी हुई है बिलो एवरेज अबव एवरेज या फिर एवरेज सो so, ये तीन तरह की रेटिंग दी जाती है बिलो एवरेज अबव एवरेज एंड एवरेज अब मैं आपको जो चीज बताऊंगा वो ये है कि क्या ये बहुत ज्यादा मैटर करता है आपकी परफॉर्मेंस को कंट्रोल करने में तो नॉट एक्जैक्टली एंड रीजन वाई से दैट इज बिकॉज अगर आप नोट करो यहां पे क्वालिटी रैंकिंग बिलो एवरेज बॉटम थर्टी ऑफ एड्स दिखा रहा है राइट सो से यहाँ पे ये वाले जो एड है इसने हमें कॉस्ट पर परचेज दिया है एट टू हंड्रेड सेवेंटी वन रुपीज विच इज फिनल विच इज वेरी गुड बट इसकी क्वालिटी रैंकिंग

મેબી પડતા હોગા પર મુજે લગતા નહીં હૈ મુજે લગતા હૈ કી યે સિર્ફ આપકો એક હેલ્પ કર સકતા હૈ થોડા બોત કે અપની એડ્સ કો કિસ તરહ સે આપકો ઓપ્ટિમાઇઝ કરના ચાહીએ ક્યા ચીઝ આપકો એડ મે અપની એડિટ કરની ચાહીએ કિસ તરહ કા કન્ટેન્ટ આપકો ઓર બનાને કી કોશિશ કરની ચાહીએ થોડી સી ઇન્ફોર્મેશન મેહ વો સમજને મે ડેટા કો આપકી હેલ્પ કર સકતા હૈ પર મુજે લગતા હૈ યે બહોત જ્યાદા એક્ચ્યુઅલી આપકે લિયે રેલેવન્ટ હૈ યા આપકો ઇસકે બારે મે જ્યાદા સોચના ચાહીએ ઇવન જો ફેસબુક તો કહેતા હૈ કી એડ રેલેવન્ટ સ્કોર જો હે ઉસકે અકોર્ડિંગલી બિડ્સ મે ઓક્શન્સ મે આપકી ચાન્સીસ વિનર કી ચાન્સીસ જ્યાદા બઢતે હૈ खाया डायट अकाउंट के अंदर जो बिलो एवरेज क्वालिटी रैंकिंग थी उसकी भी कॉस्ट पर परचेज बहुत अच्छा था हमारा जो बिजनेस का गोल था वो मीट हो रहा था सो so, अब अगर आप सोचो कि अगर आप पोटेंशियल बायर्स को टारगेट करना चाहते हो ब्रॉड टारगेटिंग में इसका कंक्लूजन ये है आपको ऐसी एड्स बनानी होंगी या बनानी चाहिए जो ब्रॉडर ऑडियंस को एड्रेस करें जैसे एक मार्केट की मास डिजायर होती है राइट right? उसकी मास डिजायर को एड्रेस करें कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करें उस तरह की एड्स को आपको किसी तरह बना के अपने प्रोडक्ट की तरफ ब्रिज करके लेके आना होगा सो so, इस चीज को समझना चाहते हो दैट हाउ टू मेक एड्स दैट रियली कन्वर्ट विद ब्रॉड टारगेटिंग एनी खुद तो ही बता देता, तो आपको समझ नहीं आता अब, अब मैं आपको नेक्स्ट दिखाऊंगा हमारे क्लाइंट की बनाई हुई दिखाऊंगा जो हमने मैंने खुद आईडी है स्क्रिप्ट करी है एडिट करी, करी है हमारी ही टीम ने और मैं आपको दिखाऊंगा उसमें किस तरह की एंगेजमेंट है हजारों लाइक्स हैं हजारों कमेंट्स भी हैं कईयों में तो मोर देन आई थिंग थाउजेंड और फाइव हंड्रेड कॉमेंट्स है मोर देन फाइव हंड्रेड हंड्रेड ऑफ शेयर मुझे पता भी नहीं है कितनी है बहुत सारी ऐसी एड्स मैंने खुद अपने हाथों से हमारी खुद की एड्स भी वायरल एड्स बनाई है तो मैं आपको ये बताऊंगा कि उस लर्निंग से जो एड क्रिएटिव परफॉर्मेंस दिखा के अगेन शेयर करके सब कुछ शो करके नेक्स्ट वीडियो में यह दिखाऊंगा कि हम ब्रॉड टारगेटिंग के लिए अगर आप ब्रॉड टारगेटिंग करके जीतना चाहते हो कॉस्ट कंट्रोल रखना चाहते हो रिजल्ट अच्छे लाना चाहते हो जैसे मैंने आपको दिखाया इस बिजनेस में हम लेके आ रहे हैं इस क्लाइंट के लिए ब्रॉड टारगेट के लिए एड्स को क्रिएट कर सकते हो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना एंड प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो सो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको सब्सक्राइब करो चैनल को सब्सक्राइब करो नीचे कमेंट ड्रॉप करो मुझे बताओ कि बिगेस्ट टेक अवेज क्या थे मैंने सिंपलीफाई करने की बहुत कोशिश करी एग्जाम्पल्स देने की बहुत कोशिश करी एंड नेक्स्ट वीडियो में और भी ट्रांसपेरेंटली फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ मैं आपको एड्स भी दिखाऊंगा लिटली वही एड्स जिन जिनपे किस तरह के कॉमेंट्स और एंगेजमेंट है एंड किस तरह से हमने वो के आइडियाज डेवेलप करे जिसके थ्रू हम वो एड्स बना पाए ताकि वो इंफॉर्मेशन लेके आप अपने बिजनेस के लिए या या फिर अपने क्लाइंट के के बिजनेस 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 लिए एड्स रन कर 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 सकें और उनका ग्रो कर सकें सकें एंड उनका ग्रो ग्रो खुद का भी प्रॉफिटेबली जिस तरह हम हमारे क्लाइंट्स का कर पाते हैं सो प्लीज सब्सक्राइब करना प्लीज फॉलो करिए प्लीज लाइक करिए एंड कॉमेंट करे नीचे और मुझे बताइए कि आपके बिगेस्ट टेक अवेज क्या थे या कोई भी क्वेश्चन है तो वो भी आप मुझसे कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं मेरा नाम है रोहन साप्रा एंड मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में आई एल सी यू अराउंड ऑन द इंटरनेट बाय बाय